दोस्तों आपका स्वागत है लोटस प्रेगनेंसी केयर में। कहते हैं ना कि हर वो चीज जिसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है और जीभ को पसंद नहीं आता वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जैसे करेला, नीम आदि। इन्हीं में से एक मेथी दाना। मेथी हर घर में बड़ी आसानी से मिलने वाला मसाला है जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मेथी को मामूली मसाला नहीं है बल्कि औषधीय गुणों और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर होती है। डायबिटीज कंट्रोल करना हो, पाचन से जुड़ी समस्या दूर करनी हो और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ठीक करनी हो या फिर वेट लॉस करना हो, मेथी की खूबियाँ इन सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकती है। मेथी का सेवन करने से शरीर में होने वाली कई तरह के दर्द से राहत मिलती है, बार बार भूख लगने की समस्या भी दूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर मेथी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। वैसे तो आप मेथी को पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी की चाय बना सकते हैं, मेथी को अंकुरित करके खा सकते हैं या फिर शहद के साथ सीधे भी खा सकते हैं। लेकिन मेथी दाना या फेनुग्रीक का पूरा फायदा उठाना है तो हर मेथी का पानी पीना चाहिए। एक बड़ा बाउल लें और उसमें पानी डालें। 2 चम्मच मेथी दाने को उस पानी में डालकर रात भर भिगोने के लिए रख दें। सुबह उठकर पानी को छान लें और खाली पेट सबसे पहले इस पानी का सेवन करें। 1 चम्मच मेथी दाने को पैन में बिना तेल के हल्का सा फ्राई कर लें और फिर ब्लेंडर में डालकर उसका पाउडर बना लें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी का पाउडर डालें, मिक्स करें और हर सुबह खाली पेट इसे पानी को पिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत है उनके लिए तो मेथी मानो रामबाण की तरह है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की तरह के डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद है। मेथी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करती है। साथ ही मेथी में अमीनो एसिड भी होता है जिसे एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी माना जाता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और खून में मौजूद शुगर को तोड़ने में मदद मिलती है। शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है मेथी। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करती है और शरीर में फैट को जमने से रोकती है मेथी। अगर 2 से 3 महीने तक हर दिन नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन किया जाए तो निश्चित तौर पर शरीर में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर नींबू और शहद के साथ मेथी का सेवन किया जाए तो बुखार में आराम मिलता है। साथ ही साथ मेथी में म्यूक्लिएज नामक का एक तत्व पाया जाता है जिससे सर्दी खांसी की वजह से अगर गले में दर्द हो रहा हो या गला खराब हो तो उसमें भी मेथी का पानी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। एक बार सुबह खाली पेट में मेथी का पानी पी लिया तो लंबे वक्त तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख जल्दी नहीं लगती, क्योंकि मेथी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जब आप कम खाएंगे, कम कैलोरीज का सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है वजन भी कंट्रोल में रहेगा, साथ ही साथ पेट फूलने की दिक्कत भी नहीं होगी। आप चाहे तो मेथी के पानी के साथ साथ मेथी को कच्चा दिन में 2 से 3 बार चबा सकते हैं, इसमें भी वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है। हर दिन सुबह खाली पेट मेथी के पानी का सेवन करने से सीने में जलन होना, अपच, एसिडिटी, कब्ज और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। चूंकि मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है लिहाजा शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है और पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। लिहाजा बेहतर पाचन के लिए हर दिन सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना फायदेमंद होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस प्रेगनेंसी केयर।